नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू माय चैनल हेवन एट होम। आज है ट्यूसडे माने मंगलवार। हर दिन की तरह आज भी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और मैं कुकिंग कर रही हूँ। आज भी वैसे ही नॉर्मल कुकिंग की थी, इसीलिए वीडियो नहीं बनाई। क्या बना रहे हो? देखो कैसे कुसन को रखे हैं, ये खेल चल रहा है इनका। बस काम लगाना तो इनसे कोई सीखे। ड्रामेबाज अब वहाँ से सारे खिलौने लाके निकाल के चारों तरफ बिखर के रखेंगे। टीवी के बाद टीवी ऐसे ही चल रही है, इनका खेल चल रहा है यहाँ पे। अब टीवी बंद कर दो तो इनका हंगामा शुरू हो जाएगा। क्या करूं मैं इन बच्चों को? कमेंट कीजिए कौन कौन के बच्चे ऐसे परेशान करते हैं। लोग बोलते हैं बच्चे आराम से खेल रहे हैं। कितना आराम से खेल रहे हैं मुझे को बताए। क्या बताऊं उनको, कितना बदमाश हो रहे हैं। आज मैं डिनर में स्प्राउट थेपला बनाऊंगी। स्प्राउट में मैं ली हूँ ये मूंग दाल, मूंग साबुत मूंग, और ये काले चने, और ये बीन। इसको ऐसे वाश कर ली हूँ थोड़ी सी, और अब इसको मिक्सी में डाल के इसको दरदरा पीस लूँगी। मैं पीस ली हूँ इसको अभी इसका आटा प्रिपेयर करेंगे। मैं दो टाइप का बनाऊंगी, बच्चों के लिए बिना मिर्ची के, हमारे लिए मिर्ची के। दो टाइप का आटा गूंदूंगी थेपले के लिए। तो इसको पहले मैं निकाल देती हूँ यहाँ से जार से, मिक्सी जार से। थोड़ी सी अब इसमें जाएगा ओनियन, बच्चों के लिए भी ओनियन, मैं लहसुन की कली को 4-5 कली ली हूँ, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ। आप चाहे तो ऐसे कूट के ले सकते हैं। थोड़ी सी लहसुन की कली और ये हरी मिर्च थोड़ी सी यहाँ पे डाल देंगे। फिर इसमें ड्राई मसाला ऐड करूँगी। अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन, डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है बच्चों के यहाँ से। थोड़ी सी अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, ये धनिया पाउडर थोड़ी सी, बस यहाँ चाट मसाला पाउडर थोड़ी सी, चाट मसाला पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। कूट के इसे डाल दूंगी काली मिर्च को।
थोड़ी सी नींबू डालूंगी, थोड़ी सी बिल्कुल, और हल्दी पाउडर। अभी आप चाहें तो लाल मिर्च की पाउडर भी डाल सकते हैं। कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर थोड़ी सी, और बैलेंस करने के लिए टेस्ट को थोड़ी सी चीनी डालूंगी। मैं यहाँ पे सिंपल गेहूं का आटा ली हूँ, आप चाहें तो दो तीन आटे मिला के ले सकते हैं, जैसे बेसन का आटा। अब मैं इसको अच्छे से गूंद लूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, अगर चाहिए तो पानी ऐड करना, नहीं तो ऐसे ही गूंद लेना। मैं थोड़ी सी बस पानी ऐड की थी। यहाँ पे मैं बच्चों की भी गूंद रही हूँ। थेपले के आटे में मिर्ची डाली हूँ ना, इसीलिए पहले बच्चों की बेल लूँगी ऐसे, और आटे से मैं बेल रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल लगा के बेल सकते हैं, हल्के हाथ से ऐसे बेलना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलते, मोटा थोड़ा रखते हैं इसको, ऐसे ही टूट जाएगा नहीं तो। बहुत हल्के हाथ से इसको बेलना है। ऐसे ही सारे मैं बेल दूंगी बच्चों के लिए, धीरे धीरे हल्के हाथ से। पे मैं थोड़ी सी ऑयल बस ग्रीस करके सेक रही हूँ, आप चाहें तो घी में भी सेक सकते हैं, बट मुझे घी का स्मेल, घी पसंद नहीं। बच्चों के लिए बनाना था घी, घी मतलब घी डाल के, बट मैं भूल गई तो इसीलिए ऑयल में सेक रही हूँ। बच्चों का हो गया है, अब हमारे लिए बेल रही हूँ। मोटा रखना है और पतला ज्यादा नहीं करना, नहीं तो चिपक जाएगा। अब ये सारे बेल लूंगी, फिर इसको ऑयल देके सेकेंगे। यहाँ पे मैं सारे बेल ली हूँ, अब इसको ऑयल से सेक लेंगे। मैं थोड़ी थोड़ी ऑयल बस ग्रीस से ऐसे कर रही हूँ। थेपले के साथ मोस्टली खट्टी चीज़ खाया जाता है, जैसे कि अचार और रायता और कोई भी खट्टी चटनी, बस मिला के मतलब लेके खाया जाता है। मैं आज इसके साथ बूंदी रायता बना रही हूँ। सिंपल सा है, दही को फेंट के उसके ऊपर नमक और भुना हुआ जीरा डालना है, फिर उसको मिला देना है, फिर उसमें बूंदी डाल के रायता बना लेना है। अब मैं सारे सेक ली हूँ, अब इसका प्लेटिंग कर लेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा बना है। थैंक
थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो. डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. प्रेस द बेल आइकॉन. स्टे सेफ. जय जगन्नाथ.